नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल BSA ट्रिकी क्लासेस में। दोस्तों, आज के वीकली करंट अफेयर में हमने 17 दिसंबर से 30 दिसंबर तक के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए। आई होप आप सभी को आज की वीडियो काफ़ी पसंद आने वाली, तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। ओके, आप लोग के सभी एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है, तो वीडियो को दोस्तों पूरा देखिएगा। और दोस्तों, अगर आप लोग चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इसमें हम कुछ जो है कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में आप लोग के साथ डिस्कस करेंगे। बाकी हमने डिटेल से एक PDF फाइल आप लोग के लिए क्रिएट कर ली है, और आप लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर आपको PDF फाइल अवेलेबल करा दी जाएगी। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों आज के अपने इस वीडियो को, आइए देखते हैं। तो दोस्तों, बात करते हैं आज के अपने सबसे पहले क्वेश्चन की। तो यहाँ पर आप लोग सबसे पहला क्वेश्चन देख सकते हैं, केंद्रीय कैबिनेट 28 दिसंबर को गगनयान प्रोजेक्ट को मंजूरी देते हुए कितने करोड़ रुपए की राशि आवंटित करने का फैसला किया है। तो दोस्तों, ये ऑप्शन आपको बताते हैं, इसका जो आप लोग का यहाँ पर राइट आंसर है तो ये है 10,000 करोड़ रुपए, यानी कि आप लोग का बी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट है। क्लियर है? अब देखिए, इसी तरीके से सेकंड क्वेश्चन आपका दे रखा है यहाँ पर, मिसेज इंडिया 2018 का खिताब जो है यहाँ पर किसे मिला है, मोहनी सचदेवा को, या फिर दिव्या पाटीदार जोशी को, प्रतिमा जोशी को, या फिर प्रतिभा अग्निहोत्री को। तो दोस्तों, आपको बता दें, इसका जो आप लोग का राइट आंसर ये है दिव्या पाटीदार जोशी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आप लोग को बता दें, यहाँ पर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 28 अक्टूबर को भूटान के प्रधानमंत्री लोटे शेरिंग के साथ वार्ता के बाद कितने करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता देने की घोषणा की है। तो दोस्तों, ये है आप लोग का राइट आंसर इसका, 4,500 करोड़ रुपए। ओके दोस्तों, जैसे मैं आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ, आप लोग बिल्कुल एज इट इज ऐसे ही याद कर लीजिएगा। बाकी कुछ क्वेश्चन दोस्तों ऐसे हैं, क्योंकि टाइम वीडियो का लंबा हो जाता है, फिर जो है दोस्तों काफ़ी ज़्यादा टाइम आप लोग का भी वेस्ट होता है, इसलिए मैंने दोस्तों कुछ क्वेश्चन ही हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, और बाकी सभी क्वेश्चन की PDF फाइल आपको अवेलेबल करा देंगे। क्लियर है? ओके, जैसे कि मैं आपके साथ सिर्फ 15 ही क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस करूंगा, बाकी सारे क्वेश्चन आपको मैं PDF के तौर पर जो है टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा दूंगा। आप लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, और दोस्तों, अगर आप लोगों ने अभी तक हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर सकते हैं, और साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी आप लोग लाइक कर सकते हैं। अब जैसे कि यहाँ पर दोस्तों फोर्थ क्वेश्चन आपका क्या है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बाल यौन अपराध संरक्षण यानी कि पोक्सो अधिनियम 2012 में संशोधन की मंजूरी दी है, इसके तहत दोषी के अधिकतम जो है क्रिया सजा जो है देने का प्रस्ताव है। तो दोस्तों, आपको बता दें, यहाँ पर सजा देने का जो प्रस्ताव है वो है यहाँ पर मृत्यु दंड। क्लियर है? ओके, अब देखें यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के चिराग जो है दोस्तों चिरांग जिले में 17 दिसंबर को आई नदी के किनारे द्विजिंग उत्सव शुरू हुआ। तो दोस्तों, आपको बता दें, ये राज्य है आपका असम। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, देखिए क्या दिया गया है, राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस 2018 का आयोजन जो है 27 से 31 दिसंबर तक जो है कहाँ किया गया है। ओके, तो ये दोस्तों जो आपका किया गया है, ये किया गया आप लोग का भुवनेश्वर में। नेक्स्ट देखिए क्या है आप लोग का, केंद्र सरकार ने हाल ही में जो है खालिस्तान लिबरेशन फोर्स पर किस अधिनियम के तहत प्रतिबंध लगा दिया है। तो दोस्तों, ये जो है आप लोग का अवैध गतिविधि रोकथाम अधिनियम यानी कि UAPA के द्वारा जो है इस पर प्रतिबंध लगा दिया गया। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया यहाँ पर, PM आवास योजना के तहत केंद्र सरकार ने UP, कर्नाटक, गुजरात, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के कितने अतिरिक्त घरों के निर्माण की मंजूरी दी है। तो दोस्तों, आपको बता दें, इसका जो आप लोग का राइट आंसर ये है, 3.10 लाख घर को यहाँ पर अनुमति दे दी गई है बनाने के लिए। और अगला क्वेश्चन देखिए आपको बता दें, उत्तर प्रदेश पुलिस में कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है जिसके जरिए अपराध के मामले को सुलझाने में मदद मिलेगी। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट के आपको बता दें, इसका जो राइट आंसर यह है त्रिनेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है आपका, प्रयागराज के त्रिवेणी संगम पर अर्धकुंभ मेला का जो आयोजन है कब से होगा। तो दोस्तों, ये आयोजन होगा आप लोग का 15 जनवरी 2019 से। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, रूस ने आवाज़ की गति से जो है 27 गुना तेज रफ्तार वाली हाइपरसोनिक, ठीक है, मिसाइल का सफल परीक्षण जो है 26 दिसंबर 2018 को किया। तो इस मिसाइल का नाम है दोस्तों, आपको बता दें, ये है आप लोग का एवानगार्ड, ठीक है ना, एवानगार्ड इसका नाम है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या आपका, किसी तरह की मदद के लिए बगैर अंटार्कटिका पार करने वाला पहला व्यक्ति कौन बन गया है। तो दोस्तों, जो है किसी भी तरह बगैर जो है यहाँ पर हेल्प के बगैर जो है अंटार्कटिका पार करने वाला पहला व्यक्ति बन गए हैं यहाँ पर, इनका नाम है कोलिन ओब्रेडी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या है, पुरुष मुक्केबाजी मुख्य कोच जो है यहाँ पर किसे नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों, ये नियुक्त किया गया है यहाँ पर CA कटप्पा जी को। और इसके बाद देखिए 14 क्वेश्चन आप लोग का यहाँ पर क्या है, राष्ट्रीय महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप का आयोजन जो है 31 दिसंबर 2018 से 6 जनवरी 2019 तक जो है किस जगह किया जाएगा। तो दोस्तों, ये जिस जगह होगा दोस्तों, ये आप लोग का विजयनगर, कर्नाटक। क्लियर है? ओके, अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, बस इतने ही क्वेश्चन आज डिस्कस करेंगे। ओके, कम टाइम में मुझे आप लोग के साथ ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें शेयर करनी है, बहुत सारी चीज़ें भी आपको कवर करानी है, इसलिए दोस्तों आपका समय ज़्यादा नहीं लेते हुए सिर्फ 15 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। बाकी आपको बता दें, बहुत सारे क्वेश्चन हैं, मैंने इसकी डिटेल भी आप लोग को प्रोवाइड करा दी है, तो बिल्कुल भी आपको समझने में कोई किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। बस आप लोग टेलीग्राम ग्रुप आप सभी लोग ज्वाइन कर लीजिए, जिससे कि दोस्तों आप सभी को जो इसकी PDF फाइल मिल सके।
क्लियर है। चलिए दोस्तों बात करते हैं 15 क्वेश्चन में। बता रहे थे आप लोग कि किस क्रिकेटर को जो है यहाँ पर 26 दिसंबर 2018 को ICC क्रिकेट हॉल ऑफ फेम पे आधिकारिक रूप से शामिल किया गया है। तो दोस्तों ये है आपके रिकी पोल्टिंग। क्लियर है, इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों, ये है रिकी पोल्टिंग। क्लियर है। तो फिलहाल दोस्तों आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही रखते हैं। आई होप आप सभी को आज की वीडियो पसंद आएगी। मैंने कम टाइम में आप लोग के साथ ज़्यादा क्वेश्चन डिस्कस करने हैं मुझे, तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया ही, तो इसकी PDF फाइल आपको जल्द ही जो है टेलीग्राम पर शेयर कर दी जाएगी। आप लोग दोस्तों वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। वीडियो आपको पसंद आई तो सभी लोग मिलकर इसको लाइक कीजिएगा और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं आप लोगों से इसके नेक्स्ट वीक में कुछ और इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।